अगर पैसे से संबंधित तुलना की जाए तो हम लोगों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक जिनके पास बहुत धन है और दूसरा ऐसा सेक्शन है जिनके पास धन की कमी है। ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को इन दो भागों में बांट देती है? लोगों के जीवन में धन उनके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। यही बात धन के मामले में भी लागू होती है। आज हम ऐसी ही एक किताब की बात करेंगे जिसमें पैसे से संबंधित सीक्रेट की बात की गई है, जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, जिसके लेखक है टी हार्व एकर। ऐसी कौन सी चीज है जो कुछ लोगों को तो पैसे के मामले में सबसे ऊपर पहुंचा देती है और कुछ लोगों को बिल्कुल नीचे ही रखती है? पुस्तक के लेखक कहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी मनी का एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसा आपका ब्लूप्रिंट होगा, आपके जीवन में उसी प्रकार की सिचुएशंस आएंगी। यदि आपके दिमाग में ही धन से संबंधित ब्लूप्रिंट में खराबी है तो आपके जीवन में धन की कमी हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि एकर कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हम जैसा सोचते हैं हमारी बाहर की दुनिया वैसी ही बनती जाती है, क्योंकि आप जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में होती हुई महसूस कर रही हैं वाकई वो आपके सोच विचार का ही परिणाम है। पैसे की कमी कोई समस्या नहीं है, बल्कि आपकी सोच का एक जीता जागता उदाहरण है। यदि आपको अपनी बाहर की दुनिया बदलनी है तो पैसे से संबंधित अपने ब्लूप्रिंट को ठीक करना होगा। इसके लिए आपको अपने पुराने तरीके छोड़ने होंगे और नए तरीकों को अपनाना होगा। लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन में तीन बड़ी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम प्रभावित होते हैं और पैसे को लेकर हमारा रवैया और दृष्टिकोण बन जाता है। जैसे पहला है वर्बल प्रोग्रामिंग। छोटे से बड़े होते हुए हम बहुत सी बातें सुनते आए हैं, जैसे अपना पैसा अपने बुरे दिनों के लिए बचा कर रखो। अमीर लोग लालची होते हैं, जिनके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उनका दिल उतना ही छोटा होता है। पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। ये बातें सुनते सुनते हमारे दिमाग में पैसे को लेकर एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट बन जाता है, और वो कॉन्सेप्ट ऐसा बन जाता है कि हमारे जीवन में पैसे की वैसे ही कमी रह जाती है। हमारे पास इतना पैसा आ ही नहीं पाता, क्योंकि हमने तो पैसे को लेकर नेगेटिविटी अपने अंदर पैदा कर रखी है। दूसरा है मॉडलिंग। हम अपने घर के लोगों को जैसे मैनेजमेंट करते हुए देखते हैं, वैसा ही मैनेजमेंट हम भी अपने जीवन में करते हैं। बच्चे अपने बड़ों से ही सीखते हैं। यदि हमने अपने माता पिता को पैसे के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में ही बात करते हुए सुना होगा, तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि जब हम बड़े होंगे तो हम अपने माता पिता की बातों को याद करेंगे और वैसे ही चीज़ें अपनाने की कोशिश करेंगे। यदि बचपन से ही नेगेटिव कॉन्सेप्ट डाल दिया जाए तो बड़े होने पर उस कॉन्सेप्ट को दिमाग से निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तीसरा है स्पेसिफिक इंसिडेंट। हमारे जीवन में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से हमारा कॉन्सेप्ट नेगेटिव बन जाता है। जैसे कि कुछ लोगों के घरों में पैसे को लेकर बहुत ही लड़ाई झगड़ा होता है, कई बार पति पत्नी का तलाक हो जाता है, या आस पड़ोस के लोगों से फाइनेंशियल गैप होने के कारण लड़ाई हो जाती है। जब इन घटनाओं को हम होता हुआ देखते हैं तो हमें लगता है पैसा एक लड़ाई झगड़े का बहुत बड़ा कारण है, और इसलिए भी हमारा पैसे से एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट बन जाता है। और इसके विपरीत इन तीनों परिस्थितियों को यदि किसी बच्चे ने पॉजिटिव आउटलुक के रूप में देखा हो, उसको बचपन से ही धन से संबंधित पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिली हो, तो वो लोग अपने फ्यूचर में धन से रिलेटेड नेगेटिव एस्पेक्ट को कम देख पाते हैं और पॉजिटिव आउटलुक ज़्यादा रहता है। यही हमारे धन के ब्लूप्रिंट को बनाने में हमारी मदद करता है। जैसे एक्सपीरियंसेस वैसा ब्लूप्रिंट। इसलिए किताब के लेखक कहते हैं कि यदि आपको अपने जीवन में धन से संबंधित चीज़ों को बदलना है तो पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी सोच को नए तरीके से कंडीशन करना होगा, अपना ब्लूप्रिंट चेंज करना होगा। लेखक ने 17 वेल्थ फाइल्स की बात की है। वो कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनके थ्रू हम अपने ब्लूप्रिंट को बदल सकते हैं। नंबर एक, रिच पीपल सोचते हैं कि मैं अपना जीवन खुद बनाता हूँ, और पुअर पीपल सोचते हैं कि मेरे साथ जीवन में जो भी होता है अपने आप होता है। हमारे सोच विचार से हमारे जीवन के अनुभव बनते हैं। जब हम चीज़ों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, जब हम अपनी सोच में पॉजिटिविटी रखते हैं और हमें लगता है कि मैं अपनी लाइफ का चार्ज ले सकता हूँ, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि हम अपने जीवन में कितना धन चाहते हैं। परंतु वहीं पुअर लोग ये सोचते हैं कि लाइफ में जो भी हो रहा है अपने आप हो रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और वो अपने जीवन की सिचुएशंस को कभी बदलना ही नहीं चाहते। जितनी सैलरी आ रही है उसी में संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं।
कुछ एक्स्ट्रा काम करके या कुछ बड़ा काम करके या थोड़ा सा जोखिम उठाकर किसी अच्छी जगह जाया जा सकता है। वो ये बिल्कुल नहीं सोच पाते कि इस जॉब के साथ कुछ और भी किया जा सकता है, क्योंकि उनकी नज़र में तो सब कुछ किस्मत के हाथ में होता है। इसलिए हमें शिकायत करना और शिकायत करने के बहाने बनाने से बचना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में जो चाहते हैं उसके लिए काम करें, किस्मत के सहारे ना बैठे रहें। नंबर दो, रिच पीपल कुछ ऐसा काम करते हैं ताकि वो धन के मामले में जीत जाएं, और पुअर पीपल ऐसे काम करते हैं कि उनको कभी भी धन गंवाना ना पड़े। हमारे टारगेट सिर्फ ये नहीं होने चाहिए कि हमारा पैसा बचा रहे, बल्कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम ऐसे कैसे काम करें कि हम और भी धन को आकर्षित कर सकें, चाहे वो मेहनत के थ्रू हो या वो किसी प्रकार के जोखिम उठाने के थ्रू। हमें अपने टारगेट्स को सेट करना पड़ेगा। यदि जो धन आ रहा है सिर्फ उसको बचाने पर ध्यान देंगे तो धन कमाने के नए तरीकों के बारे में हम कभी नहीं सोच पाएंगे। वेल्थ फाइल नंबर 3, लेखक कहते हैं कि रिच पीपल हमेशा रिच बने रहना चाहते हैं और पुअर पीपल रिच बनना चाहते हैं। जब हम अमीर लोगों की बात करते हैं तो वो अपने जीवन में इस प्रकार मेहनत करते हैं और इस प्रकार के काम करते हैं ताकि उनके जीवन में धन से संबंधित चीजें जैसी चल रही हैं हमेशा वैसी ही चलती रहें। वे बहुत ही मेहनत से काम करते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं और अपने काम के प्रति डिवोटेड होते हैं। वहीं कुछ लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन उसके लिए काम नहीं करना चाहते। यदि हम किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत ही नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमें मिलेगी ही नहीं। इसलिए किसी चीज़ को चाहने में और उसके लिए काम करने में बहुत फ़र्क होता है। यदि आपका ब्लूप्रिंट अमीर बने रहने का है तो आप मेहनत करेंगे और उसी दिशा में काम करेंगे, और यदि आपका ब्लूप्रिंट अमीर बनने का है लेकिन उसमें काम नहीं हो रहा, मेहनत नहीं हो रही, तो वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। वेल्थ फाइल नंबर 4, बड़े लोग बड़ी बातें सोचते हैं, छोटे छोटी बातें सोचते हैं। हमारी सोच कितनी बड़ी है उतना ही ज़्यादा हम अपने जीवन में काम कर सकते हैं। जितनी छोटी सोच होगी उतने ही छोटे काम हम करेंगे। अगर हम अपनी सोच को खुला नहीं बनाएंगे तो हम आसमान जितनी ऊंचाइयां नहीं प्राप्त कर सकते। अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए हमें अपनी सोच को भी ऊंचा करना होगा और उसके लिए काम करना होगा। वेल्थ फाइल नंबर 5, अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं और वहीं गरीब अपने जीवन में आने वाली बाधाओं पर ही नजर रख। यदि हम अपने जीवन में आने वाले अवसरों पर ध्यान ही नहीं देंगे तो हम अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल कैसे कर पाएंगे। हमारी यही सोच हमें जीवन में या तो सुनहरे मौके देती है या सिर्फ हमारे जीवन की मुश्किलों पर ही हमारा ध्यान केंद्रित कर पाती है। पुअर पीपल हमेशा यही सोचते रहते हैं, अगर इसने काम नहीं किया तो क्या होगा, मुझे लग नहीं रहा यह चीज काम करेगी। बल्कि वही रिच पीपल अपने कामों की जिम्मेदारी लेते हैं, उन्हें लगता है ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो इस पे काम करना चाहिए, रिजल्ट तो ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा ही। हमें एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। जब भी छोटी सी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे तो उसमें काम करना पड़ेगा। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति अपना होटल खोलना चाहता है और वह कभी होटल में ही नहीं गया है तो वह होटल नहीं खोल सकता। इसके लिए सबसे पहले किसी होटल में जाकर एक एक्सपीरियंस लेना होगा। उस एक्सपीरियंस से आपकी सोच बड़ी बनेगी और वहीं आप एक्सपीरियंस गेन करके उस होटल के बिजनेस में आ सकते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 6, रिच पीपल दूसरे लोगों की सफलताओं को देखकर खुश होते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, परंतु वहीं पुअर पीपल दूसरों को सफल होता देखकर ईर्ष्या करते हैं और बहुत ही दुखी होते हैं। जैसी सोच वैसा जीवन। जब हम दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होंगे तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि अपने जीवन में सफलता आ ही नहीं सकती, और वहीं जब दूसरों की सफलता को देखकर लोग खुश होते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं तो वो अपने जीवन में भी उन्हीं प्रकार की सफलताओं को आकर्षित करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। इसलिए यदि आप किसी को सफल होता हुआ देखें तो उनको आशीर्वाद दें और बधाइयाँ दें। आपकी मेंटालिटी का एक छोटा सा चेंज आपके जीवन को बदल कर रख देगा। वेल्थ फाइल नंबर 7, अमीर लोग ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो लोग पॉजिटिव होते हैं और सक्सेसफुल होते हैं, और पुअर पीपल ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं और अनसक्सेसफुल होते हैं। यदि आप अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा और उनसे उनके एक्सपीरियंसेस सुनने होंगे जिन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की है। यदि हम उनसे ईर्ष्या ही करते रहेंगे और सोचेंगे कि इनसे कुछ पूछने का क्या फायदा, तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वेल्थ फाइल 8, रिच पीपल अपने आप को दिखाने में या अपना प्रमोशन करने में पीछे नहीं हटते, वहीं पुअर पीपल अपने बारे में लोगों को नहीं बताना चाहते हैं।
ये तो हम सभी जानते हैं, जो दिखता है उसी के बारे में चर्चा होती है। यदि हम छुपकर बैठे रहेंगे और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो लोग हमें नहीं जान पाएंगे। अपने ब्रांड को लोगों के सामने लाने के लिए उसका प्रमोशन करना पड़ता है। उसी प्रकार यदि आप अपने बिजनेस को या अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में चर्चा करनी होगी, लोगों को अपनी स्किल्स के बारे में बताना होगा। उन्हें छुपाकर आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। वेल्थ फाइल नंबर 9, रिच पीपल अपनी समस्याओं के आगे बढ़कर खड़े होते हैं और उनसे जूझकर आगे बढ़ते हैं, परंतु वहीं पुअर पीपल अपनी छोटी छोटी समस्याओं को इतना बड़ा बना लेते हैं कि अपने जीवन में उससे पार ही नहीं पाते। हम सभी के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं को देखने का नज़रिया कैसा है वही हमें दूसरों से अलग बनाता है। समस्याएं तो आनी ही हैं, या तो उनका डटकर सामना किया जाना चाहिए या फिर उनसे हार मान ली जानी चाहिए। आप सामना करते हैं या हार मानते हैं, वही सोच आपको दो अलग अलग भागों में बांट देती है। या तो आप रिच पीपल थिंकिंग रखते हैं या आप पुअर पीपल थिंकिंग रखते हैं। समस्याओं से जूझ कर डट कर उनका मुकाबला करने से आप एक्सपीरियंस पाते हैं और अपने व्यवसाय में वृद्धि करते हैं, परंतु वहीं जब आप समस्याओं से हार जाते हैं तो आपका व्यवसाय ठप पड़ जाएगा। इस प्रकार अपने जीवन में अपनी सोच से बड़ी मुश्किल को आसान बनाने का हुनर हमें सीखना पड़ेगा। वेल्थ फाइल नंबर 10, रिच पीपल दूसरों की बातों को बहुत ही अच्छे से रिसीव करते हैं, वहीं पुअर पीपल दूसरों की बातों को रिसीव नहीं कर पाते हैं। जब हमें कोई फीडबैक देता है तो उस फीडबैक को हम किस प्रकार लेते हैं यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। अमीर व्यक्ति हमेशा दूसरों द्वारा दिए गए फीडबैक से अपने लिए कुछ अच्छा निकालने की कोशिश करता है और उस फीडबैक में से कुछ अच्छा निकाल कर अपने जीवन को बेटरमेंट के लिए बदलने की भी कोशिश करता है, परंतु वहीं पुअर थिंकिंग हमें दूसरों के द्वारा दिए गए फीडबैक को एक्सेप्ट ही नहीं करने देती। हमें लगता है दूसरे गलत कह रहे हैं। जब तक हम दूसरों की थिंकिंग को समझेंगे नहीं और उनकी थिंकिंग में से अपने लिए बेस्ट निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, हमारा ब्लूप्रिंट बहुत ही खराब रहेगा। वेल्थ फाइल 11, अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर कमाते हैं और गरीब लोग अपने समय के आधार पर। जब हम सिर्फ एक जगह फोकस करते हैं और एक लिमिटेड अमाउंट की कल्पना करते हैं तो हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं कमा सकते, परंतु वहीं जब हम अपने माइंडसेट को ब्रॉड करते हैं और अपने जीवन में कुछ और भी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, अपने दिमाग को खुला रखते हैं और सोचते हैं और कितने तरीकों से अपने जीवन में वृद्धि की जा सकती है, यही हमारे ब्लूप्रिंट को चेंज करने में हमारी मदद करता है। हम चाहें तो 9 to 5 जॉब में ही खुश रह सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं सोचेंगे, और चाहें तो उस 9 to 5 जॉब के साथ भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। वेल्थ फाइल 12, धनी व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि मेरे पास जो भी है बहुत है, वहीं गरीब व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास जो भी है वो कम है। हमारे दिमाग की गलत प्रोग्रामिंग की वजह से ही हम ऐसा सोचते हैं। हमारे पास कुछ भी ज़्यादा या कम नहीं होता, जो भी होता है वो सफिशियंट मात्रा में होता है, लेकिन हम फिर भी नहीं है कहकर अपने नेगेटिव थॉट्स को यूनिवर्स में फैलाते हैं और वही चीज़ें हमारे जीवन में होने लगती हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि भगवान ने इतनी चीज़ें दी हैं जो बहुत से लोगों के पास नहीं हैं। हमें इसके बारे में यही सोचना चाहिए कि मेरे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है, परंतु गलत प्रोग्रामिंग की वजह से हम अपने जीवन में कमी को आकर्षित कर लेते हैं। यदि आप किसी चीज़ को अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं तो उसके प्रति ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। वेल्थ फाइल 13, अमीर लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि कैसे अपनी धन संपत्ति को हमेशा बढ़ाया जाए, जबकि गरीब लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि जो सैलरी आ रही है उसे ही कैसे बढ़ाया जाए। जब हम अपनी पूरी धन संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो हम बहुत सारे फैक्टर्स पर ध्यान देते हैं और उन सभी फैक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, परंतु यदि हम इस बात पर ध्यान देंगे कि कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाया जाए या कैसे अपनी आमदनी के ज़्यादा से ज़्यादा भाग को बचाया जाए, तो हम बहुत से खर्चों में कटौती करना शुरू कर देंगे और लाइफ के बहुत से सुखों में भी कटौती हो जाएगी। इसलिए ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि अपनी कुल संपत्ति को कैसे बढ़ाया जाए, ना कि सिर्फ महीने भर की कमाई को। यदि कोई व्यक्ति महीने भर की कमाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम करे तो उससे वह अपने जीवन भर की कमाई में वृद्धि कर सकता है।
वेल्थ फाइल नंबर 14। अमीर लोग अपने पैसे को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ सेविंग्स और स्पेंडिंग इसी को मैनेज करते हैं, और वो मैनेजमेंट भी सही नहीं होता। हमें अपने पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट करना होगा। हमें अपने जीवन में आने वाले धन को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि हम कुछ सेव भी करें, कुछ इन्वेस्ट करें और कुछ खर्च भी करें। सिर्फ सेव करें और खर्च करें और इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आने वाले समय में अपने धन को कई गुना नहीं बढ़ा पाएंगे। वेल्थ फाइल 15। रिच पीपल अपने धन का यूज करते हैं औरों को मेहनत करवाने के लिए ताकि उनकी चीजें आगे बढ़े, वहीं पुअर लोग पैसों के लिए मेहनत करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें पैसों के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि हमें पैसे से संबंधित सही डिसीजन लेने चाहिए। मान लीजिए आप एक महीने में 50,000 रुपए कमाते हैं। वहीं पर यदि कोई व्यक्ति आपको ऑफर देता है कि आप उनके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दें, जिसके लिए वो आपको महीने में 10,000 रुपए देंगे, और आप उनको यह कहकर मना कर देते हैं कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे घर के बहुत सारे काम हैं। वहीं पर यदि कोई व्यक्ति अपनी सोच को बड़ा रखे तो वह यह करेगा कि वह उस ट्यूशन पढ़ाने वाले काम के लिए हाँ कर देगा और अपने घर के कामों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को हायर कर लेगा जो उसके घर के काम निपटा दें, जिसके लिए वह उसको 1,000, 2,000 या 3,000 रुपये पे कर देगा। 10,000 में से 3,000 रुपए देने के बाद भी 7,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है। परंतु वहीं यदि हम अपनी छोटी सोच को आगे लाएंगे तो हम इस मुनाफे को नहीं कमा पाएंगे। वेल्थ फाइल 16 कहती है कि अमीर लोग डरते हैं लेकिन फिर भी रिस्क लेते हैं, और वहीं पुअर थिंकिंग वाले लोग डर को अपने ऊपर इतना हावी होने देते हैं कि वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते। जीवन में मुश्किलें आना लाजमी है, सफलता है तो असफलता भी है, लेकिन अगर असफलता का विचार हमारे माइंड पर इतना हावी हो जाए कि हम सफल होने के बारे में सोच ही ना पाएं, तो यह हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। असफलताएं तो आएंगी ही, उनका सामना करने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। यदि हम किसी काम को करते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि इसका जो भी परिणाम होगा, मुझे इससे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। यही सोच अमीर और गरीब लोगों को अलग बनाती है। वेल्थ फाइल 17। अमीर लोग हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर तलाशते हैं, वहीं पुअर थिंकिंग वाले लोगों को लगता है उन्हें पहले से बहुत कुछ आता है। जब हम कुछ नया सीखना नहीं चाहते तो हमारे दिमाग की सोच में कोई बदलाव नहीं होता। जब तक हम रिसीवर नहीं बनेंगे हमारे अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। यदि हमें लगेगा हम परफेक्ट हैं तो हमारे अंदर कोई भी बदलाव कभी नहीं आ सकता। हमारे जीवन में जो हो रहा है वो होता ही रहेगा। यदि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें उसके लिए अपनी मानसिकता को बदलना होगा, और अगर मानसिकता को बदलना है तो लोगों से बहुत कुछ सीखना होगा। इस प्रकार हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि जीवन बदलना है, जीवन के परिणाम बदलने हैं, तो पहले अपनी सोच को बदलना होगा, पहले अपने माइंडसेट को बदलना होगा, पहले अपने विजन को बदलना होगा। आपके द्वारा बदली गई एक छोटी सी सोच आपके हर काम को इम्पैक्ट करती है, और वो हर काम आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन संबंधी चीज़ों में पॉजिटिविटी रहे, तो उसके लिए पहले आपको अपने माइंड के ब्लूप्रिंट को पॉजिटिव बनाना होगा, और वही पॉजिटिव ब्लूप्रिंट आपके जीवन में धन संबंधी पॉजिटिविटी लेकर आएगा। आप सभी का इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स, लाइक जब मैं देखती हूँ तो मुझे और भी अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलता है। आपको यह ऑडियो बुक कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।